फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपके घर के आसपास या घर में कोई ऐसा इंसान है जिसको नसों में ब्लॉकेज है, नसों में कमजोरी है, तो आज से ये चीज खाना शुरू कर दीजिए। इसके इतने बेमिसाल फायदे होंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नसों की ब्लॉकेज और कमजोरी को दूर करने के लिए कोई सर्जरी करवाता है तो कोई एलोपैथिक मेडिसिन को लाइफ टाइम के लिए लेता है। दोस्तों, रात को सोने से पहले हम क्या खाते हैं, इससे ये डिसाइड हो जाता है कि हम स्वस्थ कितना रहें। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप रात को मूवी देखकर सोते हैं तो आपको सपने वैसे ही आते हैं। वहीं अगर आप भगवान का नाम लेकर सोते हैं तो आपको सपने अच्छे आते हैं। अगर आप रात को मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। उसी तरह से रात को सोने से पहले हम जो भी खाते हैं उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय हमने जो भी रात को खाया उसको अच्छी तरह से हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है। इसीलिए आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको ऐसी चीज खानी चाहिए जो आपकी बॉडी को फायदा करे। ये नहीं कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले ब्लैक टी लें, ऐसा नहीं करें। आप रात को सोने से पहले एकदम से खाना खाकर सो जाएं, या फिर रात को एकदम से सोने से पहले ठंडा ठंडा दूध पिएं। दोस्तों, ऐसी गलती करने से इंसान सबसे ज्यादा बीमार होता है। पुराने जमाने में लोग बीमार कम होते थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि रात को क्या खाएं, सुबह क्या खाएं। हम लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि हमने क्या खाना है। हम जो भी बढ़िया अपने दिमाग में सोचते हैं हम वही खा लेते हैं। पिज्जा, बर्गर, नूडल, पैकेट बंद चीजें, ऐसी चीजें खाते हैं। और ज्यादातर आजकल के लोग पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है प्याज। प्याज हम लोग हर रोज खाते हैं। हम लोग रोज सब्जी में, दाल में डालकर प्याज खाते हैं, प्याज की चटनी बनाकर खाते हैं। और सबसे दिक्कत की बात यह है कि हम लोग प्याज को पकाकर खाते हैं। दोस्तों, प्याज एक ऐसी चीज है जिसे पकाना बिल्कुल नहीं चाहिए। प्याज के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि टमाटर, जिन्हें बिल्कुल नहीं पकाना चाहिए, लहसुन जिसे कच्चा ही खाना चाहिए, नारियल जिसे बिल्कुल कच्चा खाना चाहिए, पकाना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आजकल लोग हर चीज को स्टीम के द्वारा या वैसे भी ऑयली पकाकर ही खाते हैं। दोस्तों, अगर आयुर्वेदिक इन औषधियों को पकाया जाता है तो इनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए तो आज तक आपने प्याज खाया है लेकिन आपको प्याज का फायदा नहीं हुआ। क्या आप प्याज का फायदा अच्छे से लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये प्याज आपको स्वस्थ रखे? तो कच्चा प्याज खाइए। दोस्तों, रात को सोने से पहले जो लोग थोड़ा सा भी प्याज खाते हैं उनको नींद बहुत अच्छे से आती है, उनको कभी भी कैंसर नहीं हो सकता, दिल की समस्या नहीं हो सकती, उनके बाल नहीं झड़ सकते, उनकी आंखों की रोशनी कभी कमजोर नहीं पड़ सकती, उनकी इम्यूनिटी हमेशा तेज ही रहेगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं रात को सोने से पहले कच्चा प्याज कब और कैसे खाना चाहिए। दोस्तों, एक छोटा सा प्याज आपको रात को सोने से आधा घंटा पहले खाना चाहिए। अगर आपको थोड़ा मुश्किल लगे तो आप इसे डिनर के साथ खाइए। एक चीज का ध्यान रखिए, डिनर आपको सोने से कम एक घंटा पहले करना है। जो लोग खाना खाते ही एकदम से सो जाते हैं उन लोगों को सबसे ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आजकल लोग एसिडिटी से बहुत परेशान हैं, जो कि एसिडिटी पहले यूरिक एसिड फिर हार्ट प्रॉब्लम में बदल जाती है। असल में हमें खाना सोने के एक घंटा पहले खाना चाहिए, उसके बाद हमें टहलना चाहिए, और इससे अच्छे से हमारा डाइजेशन काम करता है, खाना अच्छे से पच जाता है। ये छोटी छोटी गलतियां ही हमें बीमार कर देती हैं। दोस्तों, कच्चा प्याज अगर आप रात को सोने से पहले डिनर के साथ खाते तो आपको ढेर सारे फायदे मिलेंगे। और सबसे पहला फायदा है दोस्तों, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। दोस्तों, आजकल ज्यादातर लोगों को बालों के झड़ने की परेशानी को फेस करना पड़ता है, इसीलिए आपको रात को सोने से पहले डिनर के साथ इसका इस्तेमाल करना है, यानी प्याज का। और आपने देखा होगा आजकल तो सभी शैम्पू और कंडीशनर में भी प्याज का रस डालकर दिया जा रहा है। दोस्तों, ये इसीलिए दिया जाता है कि लोग प्याज खाते नहीं है तो लगा तो नहीं एटलीस्ट, जिसके द्वारा कि ये समस्या पूरी तरह से दूर हो जाए।
प्याज लगाना भी अच्छा है, लेकिन अगर आप कच्चा प्याज रात को सोने से पहले डिनर के साथ खाते हैं तो ये समस्या जिंदगी में कभी आएगी ही नहीं। बाल लंबे होंगे, बाल सफेद नहीं होंगे, वो पतले से बेजान से बाल नहीं रहेंगे। आप 2 हफ्ते के लिए यानी 14 दिन के लिए ऐसे खाकर देख लीजिए। दोस्तों इसके अलावा कच्चा प्याज रात को खाने से हम कैंसर जैसी समस्या से बचे रहते हैं। ये हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचा कर रखता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे ऑर्गन्स को खराब नहीं होने देता, हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर बनने नहीं देता। इसके अलावा दोस्तों जो लोग कच्चा प्याज डिनर के साथ खाते हैं वो ज्यादा टाइम तक जवान बने रहते हैं, यानी कि एजिंग इफेक्ट्स उनकी बॉडी पर कम नजर आते हैं, क्योंकि जो ये प्याज है ये हमारी बॉडी के ऊपर इतनी अच्छे से काम करता है जैसे कोई क्लींजर काम करता है। ये ढीली त्वचा होती है ना उसको टाइट कर देता है, रिंकल्स बॉडी पे नहीं आने देता, फेस पे रिंकल नहीं आने देता। इसके अलावा ये खून की कमी को दूर करता है, यानी कि एनीमिया की समस्या नहीं होने देता। भारत में 40% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके शरीर में खून की कमी है। खून की कमी होने पर शरीर के अंदर ऑक्सीजन और खून की सप्लाई अच्छे से हो ही नहीं पाती, जिसके कारण थकान, कमजोरी, बेजान बॉडी और हाई ब्लड प्रेशर तक की समस्या हो जाती है। आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, आंखों में खारिश होने लगती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छे से हो ही नहीं पाता जब खून ही पूरा नहीं है। तो दोस्तों आप रात को रोजाना डिनर के साथ कच्चा प्याज खाना शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, नया खून बनने लगेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं कि मेरे बॉडी में खून की कमी है या थकान रहती है, तो वो आपको कच्चा प्याज खाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों पुराने जमाने में जो लोग थे ना वो कच्चा प्याज जरूर खाते थे। कच्चा प्याज खाना, लाल मिर्च जो होती है साबुत लाल मिर्च उसकी चटनी बनाकर खाना, एक तो पिसी हुई लाल मिर्च ये तो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं दोस्तों, लेकिन जो लाल मिर्च साबुत होती है और उसकी चटनी बनाई जाती है वो शरीर के लिए फायदेमंद होती है। दोस्तों अगर आप रोजाना कच्चा प्याज खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता इतनी तेज हो जाएगी। ये आप बच्चों को जरूर खिलाइए, क्योंकि आजकल मैंने ये देखा है कि बच्चे जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों को तकलीफें ज्यादा हो रही हैं। बड़े फिर सह लेते हैं या फिर ये कह सकते हैं कहते नहीं है, पर अगर बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी इसका सेवन करने लग जाए तो ये समस्याएं आपको जिंदगी में कभी नहीं सताएंगी। दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। नसों की ब्लॉकेज है, कमजोरी है, तो आज से चीज खाना जरूर शुरू कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।